हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द प्लेटफॉर्म। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी के करंट अफेयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं, गेम्स से रिलेटेड है कुछ, और कुछ ट्रेड फेयर से रिलेटेड हैं, अवार्ड्स जो मिले हैं, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नेशनल गर्ल चाइल्ड कौन से दिन सेलिब्रेट होता है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड जो है ये हमारा सेलिब्रेट होता है हर साल 24 जनवरी को, मतलब आज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे स्टार्ट हुआ था 2008 में। इसको स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने। अब 24 जनवरी 2023 का जो गर्ल चाइल्ड का थीम है वो है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। प्लीज़ थीम इसका याद रखिएगा, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर टू, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस हैं। सितार, वीणा, तबला, बांसुरी। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फेमस हैं बांसुरी के लिए, प्लीज़ ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? बिकॉज ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं किराना घराना से, और इनको अवार्ड महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी ने दिया है। इन प्लस ऑफ दिस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है आपका, कि डॉक्टर प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण अवार्ड ही रही हैं। इनको सारे ही अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण। अब कौन से ईयर में मिले हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पद्मश्री इनको 1990 में मिला है, पद्म विभूषण 2002 में, और पद्म विभूषण 2022 में, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड 2023 में। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, DGCA का डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुआ है। तो DGCA का डायरेक्टर जनरल, नए डायरेक्टर जनरल अभी तक अरुण कुमार थे, और अभी हैं भी, क्योंकि इनकी वर्किंग अराउंड फेब से स्टार्ट होगी। तो अब जो न्यू होंगे वो हमारे विक्रम देव दत्त होंगे। DGCA का फुल फॉर्म देख लेते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनका जो डायरेक्टर जनरल वाला पोस्ट है वो स्टार्ट होगा 28 फेब 2023 से, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो हो गया, 2023 से स्टार्ट होगा। ये अरुण कुमार को रिप्लेस करेंगे। इन प्लस ऑफ दैट 2022 में विक्रम देव दत्त चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे एयर इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, एयर इंडिया जो हमारी एयरलाइंस है ना, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं, और जिसने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, वो है हशीम अमला। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, कौन सी इंडियन क्रिकेटर ने 2022 में ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो इन्होंने उसके बाद अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से कर दिया था। इन प्लस ऑफ दैट ये साउथ अफ्रीका के सेकेंड हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर रह चुके हैं। पहले और इकलौते साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट मैच में अचीव करी थी। नेक्स्ट, एमफेक्स 2023, ये कौन सी गवर्नमेंट, नेवी या फिर आर्मी या फिर फोर्स के द्वारा ये कंडक्ट करी गई है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो एमफेक्स 2023 कंडक्ट किया है इंडियन नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने मिलके। अब क्यों कंडक्ट किया है ये भी देख लेते हैं। क्या हो रहा था कि चाइना जो है उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी इंडियन ओशन में, तो तीनों ने मिलके ये एमफेक्स 2023 कंडक्ट किया, और इसने टेक प्लेस लिया था फ्रॉम 17 जनवरी टू 22 जनवरी। ये 6 days की एक्सरसाइज थी जो कि ओवर हो चुकी है। तो इसका नेम है एमफेक्स 2023, और इसको कंडक्ट किया है इंडियन नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने मिलके। क्यों किया है? क्योंकि चाइना की इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर जो इंडियन ओशन में हो रही थी उसको बंद करने के लिए। नेक्स्ट, कौन सी इंडियन फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एट DIFF। DIFF जो है आपका ये है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं DIFF क्या है। DIFF है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बांग्लादेश में हुआ था इस साल, और ये हुआ था 14 से 22 जनवरी 2023 में।
21st ढाका फेस्टिवल था ये। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड अपराजितो को मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड केतकी नारायण को मिला था, ऑप्शन सी ए एंड बी, ठीक है। अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड जापानीज निकी वातानाबे को मिला था और बेस्ट डायरेक्टर ईरान के डायरेक्टर हैं ये अली घवितन, इनको मिला था। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, मतलब कल जो बीत चुका है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो अवार्ड है वो डिस्कस कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 किसको मिला है? अभी डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 में दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है और ये उनको इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई डिजास्टर आता है या कुछ भी आता है तो उन्होंने कितना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो इसको OSDMA पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसका इलेबोरेशन है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में और इसने जो चार इसका जो फ्लड्स आए थे और तूफान आया था डिजास्टर्स थे उसको मैनेज करने के लिए। हुडहुड 2014 में आया था, फैनी 2019 में आया था, एम्फन 2020 में आया था और ओडिशा फ्लड भी 2020 में आई थी। तो पहला OSDMA है, दूसरा है लुंगली फायर स्टेशन। अब लुंगली फायर स्टेशन क्या है? लुंगली एक जगह का नाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव फायर ब्रोक हो गई थी फॉरेस्ट एरिया में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए लुंगली फायर स्टेशन को भी ये अवार्ड मिला है, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट के पुलिस स्टेशन को कंट्री का नंबर वन पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है? अब नंबर वन पुलिस स्टेशन होने के लिए वहाँ पे हर चीज़ देखी जाती है, क्राइम रेट कितना है, पुलिस कितनी एक्टिव है, लोगों को कितना जल्दी सोल्यूशन दे रही है चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ है। तो जिस स्टेट को नंबर वन पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है वो है ओडिशा। इसके अलावा ओडिशा में जिस स्टेट को मिला है वो है अस्का पुलिस स्टेशन, उसको मिला है और ये अवार्ड हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिया है ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ DGSP और IGSP। सेकेंड बेस्ट पुलिस स्टेशन है गंगापुर, ये भी ओडिशा का। थर्ड बेस्ट पुलिस स्टेशन है बनबासा उत्तराखंड का। तो फर्स्ट हमारा अस्का हो गया ओडिशा, सेकेंड गंगापुर ओडिशा, थर्ड बनबासा उत्तराखंड। नेक्स्ट है 2023 का मेंस हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो कौन से स्टेट में हो रहा था? तो 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा था हमारा भुवनेश्वर स्टेट में। इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पार्टनर टाई अप कर लिया है, एक MOU साइन हुआ है JSP फाउंडेशन के साथ, किस लिए? ताकि वो हॉकी को और बढ़ावा दे सके एज अ गेम, उसको और ज़्यादा लोगों में बूस्टअप कर सके। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का? वो है तैयब इकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया होस्टेड सेकेंड कॉन्फ्रेंस कौन से स्टेट में? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेकेंड कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। इन प्लस ऑफ दिस 2023 का उसका थीम था यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी और ये 23 से 24 जनवरी में हुआ था बाय राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। नेक्स्ट, कौन से स्टेट में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अभी हुआ था? तो जिस स्टेट में ये हुआ था द स्टेट नेम इज बैंगलोर। नेक्स्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जिसको असर भी बोलते हैं, असर 2022, वो पब्लिश कौन सा ग्रुप करता है या कौन सा गवर्नमेंट एसोसिएशन उसको पब्लिश करती है? तो ये रिपोर्ट आखिरी 2018 में पब्लिश हुई थी, फिर 2019-20 कोविड की वजह से रिपोर्ट आई नहीं थी, फिर ये रिपोर्ट अभी आई है और इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है प्रथम। प्लीज़ याद रखिएगा, असर 2022 एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है प्रथम। नेक्स्ट, एक बुक है, बुक का नेम है कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। ये बुक लिखी है इंडियन क्रिकेट टीम के कोचेस ने, दो कोचेस ने मिलकर लिखी है, उनका नाम है आर कौशिक और आर श्रीधर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी और सी। इस बुक में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी लिखी है आफ्टर अबाउट विराट कोहली, अबाउट ऑल अदर क्रिकेट प्लेयर्स, तो उन्होंने इस बुक में अपनी पूरी लाइफ जर्नी इलैबोरेट की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बुक उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने रिलीज करी है? तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने जो बुक रिलीज करी है उस बुक का नाम है हॉकी एंड इंडिया अ गोल्डन लीगेसी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा प्लीज। इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सी सिटी में बन रहा है? पुणे, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर या फिर गुजरात? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और 25 जनवरी के करेंट अफेयर्स के साथ हम कल मिलेंगे आपको। प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू।